हेलो पेरेंट्स, हेलो बच्चे। तो आज हम लोग संकल्पना करेंगे। संकल्पना मतलब कंसेप्ट करेंगे। अब इस कंसेप्ट में आज हम लोग नज़दीक और दूर करेंगे, मतलब नियर और फार। अभी नज़दीक और दूर का मतलब क्या होता है? अगर आप कुछ भी चीज़ जो छू सकते हो या फिर आप एक जगह मतलब छू सकते हो, उसको आप नज़दीक बोल सकते हो। जिस तरह आपका हाथ पहुँचता है या फिर आप अपने हाथ से ले सकते हो, तो वो नज़दीक होता है। और दूर मतलब जो बहुत दूर होता है या फिर दूर होता है, जिसको आप लोग आप छू नहीं सकते। कभी कभार ऐसा होता है कि आप उसको देख भी नहीं पाते हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फार, मतलब दूर दूर होना। तो कभी कभी अगर आप देखोगे तो आप कुछ अपने घर से बाहर देख रहे हो, पेड़ देख रहे हो, गाड़ी देख रहे हो, कुछ भी देख रहे हो, तो अगर आप हाथ लगाने की कोशिश करोगे तो वो आपको आपका आपको वो आप छू नहीं पाओगे। क्यों नहीं छू पाओगे? क्योंकि वो आपसे दूर है, गाड़ी दूर है, फिर पेड़ दूर है, लेकिन आप उसको देख सकते हो। अगर आपने देखा चांद, जो मून रहता है, हम लोग जिसको हम लोग मून बोलते हैं, सन बोलते हैं, या फिर क्लाउड्स जो रहते हैं, स्काई रहता है, आपको कभी वो आपको दिखते हैं, लेकिन आप उसको छू नहीं सकते क्योंकि वो आपसे बहुत दूर होते हैं। इस तो हम उसको क्या बोलते हैं? दूर। जो आप छू नहीं सकते उसको दूर बोलते हैं। नज़दीक किसको बोलते हैं? जिसको आप छू सकते हो और ज़्यादा करके आप उसको देख सकते हो, उसको आप नज़दीक बोल सकते हो। जैसे कि अगर आपके कपड़े हैं, कबर्ड में आपके कपड़े हैं, और आप उसको हाथ लगा सकते हो और वो निकाल सकते हो, तो वो क्या है? आपके नज़दीक है। या फिर मम्मी ने आपको पानी देने को बोला, जो बॉटल पानी की बॉटल आप छू सकते हो, या फिर उसके पास जाकर आप वो छू सकते हो, तो वो क्या है? नज़दीक है, नज़दीक है। तो इसको हम लोग नज़दीक और दूर बोलते हैं, मतलब नियर और फार बोलते हैं। अगर आप ये पिक्चर देखोगे तो इसमें आपको दिखाई देगा कि ये जो पहले पिक्चर में दोनों जो लड़की और लड़के हैं वो नज़दीक है एक दूसरे के, और दूसरे पिक्चर में फार है, मतलब दूर। इस पिक्चर में अगर आप देखोगे तो ये जो लड़की है और जो डॉगी है, जो कुत्ता है, वो पहले पिक्चर में क्या है कि वो नज़दीक है, डॉगी लड़की के नज़दीक है। और दूसरे पिक्चर में अगर आप देखोगे तो लड़की जो डॉगी है वो लड़की से बहुत दूर है, तो वो लड़की उस डॉगी को छू भी नहीं पा रही है, तो वो क्या है? दूर है। लेकिन जो नज़दीक डॉगी उसके नज़दीक है, वो उसको छू पा रही है। तो पहले पिक्चर में क्या है? डॉगी उसके नज़दीक है, मतलब वो नियर है। और सेकंड पिक्चर में डॉगी क्या है? फार है, मतलब दूर है। इस पिक्चर में अगर आप देखोगे तो इसमें देखोगे कि रास्ते पे दो गाड़ियां हैं, एक है ब्लू कलर की मतलब नीले रंग की, और एक है गुलाबी रंग की गाड़ी, और दोनों चल रहे हैं। लेकिन अगर आप देखोगे तो गुलाब जो नीले रंग की गाड़ी है थोड़ी नज़दीक दिख रही है, और जो गुलाबी रंग की गाड़ी है उस नीले रंग की गाड़ी से दूर है, मतलब क्या है? फार है। और जो नीले रंग की गाड़ी है वो नज़दीक है, मतलब वो क्या है? नियर है। तो ये क्या हो गया? नियर एंड फार का कंसेप्ट हो गया। तो अभी मैं आपको तीन क्वेश्चंस पूछूंगी। तो मेरा पहला प्रश्न है कि इस वीडियो में किस विषय पे बात की गई है? इस वीडियो में किस विषय पे बात की गई है? नज़दीक, दूर, ऊपर, नीचे, बड़ा, छोटा। दूसरा प्रश्न, लड़की के साथ कौन सा जानवर है? शेर, बिल्ली, कुत्ता। लड़की के साथ कौन सा जानवर है? शेर, बिल्ली, कुत्ता। इस वीडियो में कौन सा रंग की गाड़ी दूर है? सफ़ेद, लाल, गुलाबी।